हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी 2023 के लिए ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना यह है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो कौन होनी चाहिए, कम से कम कौन सी अथॉरिटी आपका सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए। दैट्स अ क्वेश्चन राइट नाउ। देखो, मैं अपने राज्य की बात करूँ या बाकी नेबरिंग स्टेट की बात करूँ, तो यदि आप ऑफलाइन बनवाते हैं तो यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी होते हैं तहसीलदार के द्वारा इशू किया जाता है। यदि मैं बात करूं ऑनलाइन की, यदि आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो उस कंडीशन में एसडीएम के द्वारा इशू किया जाता है। नाउ यहां पर यूपीएससी ने भी अपनी वेबसाइट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मैं इसको आपको जरा दिखाता हूँ। हु आर कॉम्पिटेंट टू इशू ओबीसी सर्टिफिकेट, आप इसमें देखेंगे बहुत सारी अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है। अब देखो, कुछ राज्यों में अलग अलग पोस्ट होती है, उन पोस्ट के बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि ये पोस्ट कम से कम होनी चाहिए। लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्टी कमिश्नर, एडिशनल डेप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। इसके बाद लिखा है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। इसके बाद लिखा है सबसे कॉमन जो है वो है रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। इस पर एक और लिखा है जो आमतौर पे है कॉमन है, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट और हिज फैमिली रेजाइड्स, है ना, यहाँ जहाँ पे फैमिली रहती है। इसके अलावा ये लास्ट लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपमेंट ऑफिसर, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। तो इन अथॉरिटीज के अलावा यदि किसी अथॉरिटी ने ओबी सर्टिफिकेट इशू किया है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है इन अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाना चाहिए। दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। इसके पहले का है तो आपको क्या करना है, रिन्यू करवाना है, कुछ नहीं करना है, वो सर्टिफिकेट आप लीजिए साथ में नए फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है यूपीएससी का ओबी सर्टिफिकेट का, उसको आप प्रॉपर तरीके से लीजिए और यहाँ पर जाके ऑफिस में जाइए, यहाँ पे फॉर्मेट फिल करके प्रॉपर तरीके से वहाँ पे साइन और सील लगवा लीजिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सेकंड थिंग इज दैट कुछ लोग कहना ये कि क्या मैं 21 फरवरी के बाद इसको नहीं बनवा सकता। नहीं, 21 फरवरी 2023 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो अभी तो किसी तरह से आप प्रोसीड कर दोगे एनी हाउ, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाद में आप जब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्वालिफाई करके जाओगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे बोला जाएगा कि आपके पास 21 फरवरी 2023 के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, इसके पहले पहले आपको सबमिट करना है। बैक डेट में कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अभी से जितनी रिक्वेस्ट कर सकें उतना रिक्वेस्ट करके कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही कर सकते हैं, बल्कि जब ऑफिस में जाते हैं तहसीलदार साहब नहीं मिलते आपको या वहां के जो क्लर्क है आपको डिमोरलाइज कर दें, तो आप ये कर सकते हैं उनका नंबर ले लें और उनसे प्रॉपर तरीके से फोन में बात करें और रिक्वेस्ट करें प्रॉपर तरीके से कि सर 21 फरवरी के पहले पहले फॉर्म सबमिट करना है, अदरवाइज हम फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आई एम श्योर सर कोई कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो ये रहा हमारा इस सर्टिफिकेट के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इशूइंग अथॉरिटी कौन से होने चाहिए। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्न सर्विसेज, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है आप यहाँ भी आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिटेल्स में दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि वीडियो पसंद है दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक भी कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज यूपीएससी के बहुत सारे अपडेट्स इस चैनल में डलने वाले हैं, तो आप उससे जरूर बहुत सारा बेनिफिट लेंगे। यूपीएससी के प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर क्लासेस भी ली जाएंगी, तो आई एम श्योर यू विल गेट एडेड बेनिफिट फ्रॉम हियर। ऐसा फॉर मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल हेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।